जय श्री जगन्नाथ। कैसे हैं आप सभी लोग? सो आज संडे स्पेशल की शुरुआत हो रही है मुलुंड वेस्ट से। आज हम लोग आए हैं अन्नपूर्णा, जो कि स्पेशली है जैन फूड्स के लिए। चलिए आपको अंदर दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या फूड वेराइटी है। तो यहाँ पे जो पानी पूरी है, समोसा है, वड़ा है, सब कुछ प्योर जैन है, मतलब किसी में आलू का यूज़ नहीं है। हाय एवरीवन, मेरा स्टोर का नाम अन्नपूर्णा जैन फूड जंक्शन है। मैं यहाँ पे ओनली जैन ही बनाती हूँ। जैन में भी हम लोग फॉलो करते हैं तिथि वगैरह, तो जो मंथ में 4 दिन हम बिल्कुल वेजिटेबल नहीं यूज़ करते, तो वो भी हम यहाँ पे करते हैं। और कांदा, लहसुन, बटाटा वगैरह हम बिल्कुल यूज़ नहीं करते, फिर भी हमारे समोसा, वड़ा है, वो सब सबको बहुत ही अच्छा लगता है। अभी हमने 1 महीने से सेवपूरी, भेलपूरी, चाट आइटम्स भी स्टार्ट की है, तो वो भी सबको बहुत ही अच्छी लगती है। और मिठाई, सूखे फरसान वगैरह सब यहीं पे ही बनाते हैं, सनफ्लावर ऑयल में बनाते हैं हम, और फ्रेश ही बनाते हैं। हर 4-5 दिन में, 8 दिन में हम कंटिन्यूटी करते रहते हैं उसको, और नई नई वेराइटीज़ जैन में बनाते रहते हैं हम। और जैसे सीज़न आती है वो हिसाब से हम मिठाइयाँ बनाते हैं। दिवाली वगैरह में काजू कतरी और ये सब भी यहीं पे ही बनती है और सेल होती है। और रोज़ ही मॉर्निंग में गरम नाश्ता मिलता है, इडली, मेंदू वड़ा वगैरह, पौवा, उपमा, ये सब जैन आइटम में, मिसल पाव, ये फुल डे मिलता है। और दोपहर को हम टिफ़िन भी प्रोवाइड करते हैं। व्हाट्सअप पे, ब्रॉडकास्ट पे हमको मैसेजेस आते हैं, वो हिसाब से हम डिलीवरी करते हैं, और डिलीवरी चार्ज बिल्कुल नहीं लेते हैं हम। और मतलब मुलुंड वेस्ट में डिलीवरी फ्री रखा है हमने। और भांडुप वगैरह, थाना वगैरह जाता है तो वीफास्ट से या फिर पॉटर वगैरह से हम बेचते हैं। और टिफिन्स होते हैं दोपहर को भी, हम ऑफिस वगैरह में स्नैक्स बेचते हैं दोपहर के टाइम पे, टी टाइम वगैरह। और शाम को फिर से हम नाश्ता ही होता है, फूल और डिनर नहीं होता है, लेकिन नाश्ते रोज़ के अलग अलग 7 आइटम हमारे फिक्स है। और दूसरी दो तीन वेराइटीज़ रोज़ की अलग अलग, हम पाव भाजी है, नूडल्स है, ऐसा सब हम अलग अलग बनाते हैं। ओके, आप हमको क्या सजेस्ट करेंगे, हम लोग क्या भी ट्राई करें? मेरा समोसा और वड़ा, इडली की साइज़ भी बहुत बड़ी हमने होटल साइज़ की रखी है, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये जैन समोसा है। एक्चुअली मैंने आपको बता दिया है, लेकिन आप खाने के बाद ही पता चलेगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। इसका अड़दिया पाक का सीज़न है, लेकिन अभी अड़दिया पाक रेडी नहीं है मेरे पास, आप टेस्ट कीजिए, मैंने वीडियो के लिए तो नहीं कर। सो राधे यहाँ पे खजूर की बर्फी ट्राई कर रहे हैं, और ये फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश बनी हुई है, बना के स्टोर वगैरह वैसा कुछ नहीं, जितना ऑर्डर होता है उतना ही बना के रखते हैं। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, डेफिनेटली मिलेगा। सबसे क्वालिटी और टेस्ट बहुत अच्छा है। मैं किचन में भी आ गई, और कोई भी किचन में आके देख सकता है। सो महाराज यहाँ पे बना रहे खस्ता कचौरी। एक भी कचौरी ऐसी नहीं है जो फूली नहीं है यहाँ पे। ये सब मिलते हैं यहाँ के महाराज से। महाराज आप अपना नाम बताइए और बताइए आप लोग क्या क्या बनाते हैं? चाइनीज पास्ता, पिज्जा, डोसा। अच्छा, ऑल आइटम बनाते हैं, खाना, होटल खाना बनाते हैं, इडली बनाते हैं। अरे वाह, इडली, मेदू वड़ा, फरसान भी बनाते हैं, टोटल सूखा फरसान, गीला फरसान जी, कटलेट। ओके, कटलेट, ओके, बनाते हैं, पाव भाजी, बिरयानी। ओके, मतलब ऑलमोस्ट सारा ही आइटम बनाते हैं, बस सब कुछ जैन में बन रहा है। ओके ओके मैम, आपका नाम? सोनल जी। थैंक यू सो मच। सो जो यहाँ की ओनर है वो महाराज जी के बारे में कुछ बोलना चाहती हैं, चलिए सुनते हैं, बताइए। ये हमारे महाराज हैं जी, मेन महाराज है। हाँ। जब ये यहाँ पे लगे थे, हाँ, तो इनको जैन का थोड़ा सा मतलब कम नॉलेज था, लेकिन अभी इतने मास्टर हो गए हैं बनाने में कि मुझे खाली बोलना ही होता है कि जैन ये चीज बनाना है, तो बस एक बार देख लिया और फिर अपना टेस्ट। हाँ। बहुत अच्छे से बनाते हैं। नहीं, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आपका। हाँ, बहुत टेस्ट अच्छा। मेंटेन करते हैं ये जी। और मिठाई बोलो, सूखा फरसान बोलो, या फिर रसोई बोलो जी, ये जो फरसान अपने रहते हैं, कचौरी है, समोसा है जी, वो सब में मास्टर है ये हमारे महाराज है, दिलीप महाराज नाम है इनका। आपको कैसा लगता है हमारे यहाँ पे काम करने से? मुझे यहाँ तो अपने घर के जैसा लगता है, ऐसा लगता नहीं मैं कहीं
नौकर या सेठ के जैसा काम कर रहा हूँ, ऐसा लगता है अपने घर में काम करना, अच्छी फीलिंग आती है बनाने में, मुझे कुछ बहुत आनंद आता है, खुशी से बनाता हूँ। अगर दिल से बनाया जाए कोई भी चीज़ अच्छी जी बिल्कुल बिल्कुल। सो आपका टेस्ट एक्चुअली बहुत अच्छा है, जो खाएगा वो डेफिनेटली आपका फैन हो जाएगा और वो कहीं नहीं जाएगा। सो थैंक यू सो मच महाराज जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे लिया है इडली। आज ये सब रेड चटनी में बना है बिकॉज जैन लोग चौदस को कुछ भी ग्रीन वेजीज यूज़ नहीं करते हैं, इसके लिए सूखे लाल मिर्च में सारी चटनी बनी। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसी है। बहुत सॉफ्ट है। ट्राई कर रहे हैं यहाँ का समोसा। यहाँ का समोसा बहुत फेमस है बट शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि इन दोनों में से किसी के अंदर आलू नहीं है। तो चलिए हम लोग भी ट्राई करते हैं। टेस्ट तो बहुत अच्छा है, अमेजिंग है। और कोई उसको बताने की तरह इसके अंदर आलू नहीं है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टेस्टी है। आपको आइए खाइए। और अगर शायद हमको नहीं पता होता कि ये प्योर जैन है, इसमें आलू का यूज़ नहीं है, तो हम लोग पकड़ भी नहीं पाते कि इसके अंदर आलू है कि केला है ना। हम लोगों ने आलू का बटाना वड़ा भी आप बता नहीं सकते। हाँ बहुत अच्छा है। हाँ आप इसको बटाटा वड़ा नहीं बोल सकते, केला वड़ा बोलना पड़ेगा। अमेजिंग। तो मैं यहाँ पे ट्राई करने जा रही हूँ कचौरी। कचौरी के अंदर ऑलरेडी दही भरी हुई है और यहाँ पे मेरे सामने बिल्कुल फ्रेश बनी सारे आइटम से करें। खस्ता कचौरी भी बहुत टेस्टी है, बहुत यम्मी है। तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। जैन स्पेशल में रवा, मैदा, नूडल्स और पास्ता, वो भी गेहूँ का ही बनवाते हैं। ओके। और कोई होममेड भी बनाता है वहाँ से ही हम लेते हैं, तो लेडीज़ का भी हेल्प हो जाता है जी। वो घर से हमको सप्लाई करती है। जैन ही वो जो भी चकरी है, चेवड़ा है, ओके, वो बनाती है तो वो हमारे यहाँ पे ले जाती है और हम सेल करते हैं। और ये भी जो गेहूँ के आइटम है, हाँ, तो जो प्योर जैन है वो मैदा यूज़ नहीं करते। गेहूँ का ही, गेहूँ को भिगा के सुखा के फिर मैदा और रवा बनता है, वैसे वो प्रोसेस से हम ये बनवाते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा। और वही कुकीज वगैरह है और नान खटाई है, वो सब चीजें। अच्छा, सब कुछ गेहूँ के। ओके। हाँ, वो सब होममेड ही चॉकलेट से बनती है। तो यहाँ पे कुछ भी मैदा वाला आइटम यूज़ नहीं होता है, ये सब कुछ गेहूं के आटे से बना हुआ है। तो गुजराती स्पेशल खाखरा वगैरह सब मिलेगा इधर खरसान में, तो बहुत बहुत सारी वैरायटी है। सो लास्ट एंड फाइनल आइटम जो हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं वो है सेव पूरी। तो चलिए आपको टेस्ट करके बताते हैं ये कैसा है। और जो ये सेव है ना, ये आलू का सेव नहीं है, मतलब इसके अंदर पूरा केला यूज़ किया है, कच्चा केला से बना हुआ है सारा। सो पर्सनली हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। इवन ए टू जेड हमने जितनी भी वैरायटी टेस्ट करी हम लोगों को सारी बहुत अच्छी लगी। और हम लोग आप लोगों को ही बोलेंगे प्लीज़ अगर आप बॉम्बे से हैं तो ज़रूर आइए, एटलीस्ट एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिए और बताइए कि आपको कैसा लगा। सो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। प्लीज़ आप भी ज़रूर आइए और ज़रूर ट्राई कीजिए, स्पेशली जो जैन कम्युनिटी है वो ज़रूर आए और ज़रूर ट्राई करें। सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।